our friend from the industry, Kamal Khan and Amir. I was just discussing with Kamal that what was the purpose of this workshop which we organized today. And first half was devoted to some technical things for the students, and the second half is for the interaction with the industry experts. And this time we have chosen Mr. Kamal Khan and Amir. Both incidentally are from the electronic media industry, but I would like to share with the students ki Kamal sahab ko maine jo hai wo electronic media industry ke dino se nahi dekha hai. Mujhe yaad hai 1987 mein main kuch samay ke liye Northern India patrika gaya tha. Kamal sahab kahin main bhul raha hu to mujhe correct kar dijiyega. और मैं उससे पहले पीटीआई में था, 1982 से 87 तक मैं पीटीआई में था. और कुछ ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ कि लोगों ने कहा कि एजेंसी में काम कब तक करते रहोगे, अखबारों में जाओ. अखबारों में काम करने का मज़ा अलग है, बायलाइन मिलती है, आपका नाम लोग बहुत जल्दी जान जाएंगे. पीटीआई में आपको कोई जानेगा नहीं, आप ऐसे ही पड़े रहेंगे. तो उस समय मैंने पीटीआई छोड़ करके नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका ज्वाइन किया, और उसका हिंदी पब्लिकेशन था अमृत प्रभात. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री में, आई मीन ही केम विद अ बैंग, कमाल खान NDTV. और इनका अंदाज बिल्कुल अलग था. आप अभी इनसे बातचीत करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि बहुत ही सरल तरीके से बात करने वाले. खास बात ये भी है कि अंग्रेज़ी में मास्टर्स करे हुए, रशियन नॉलेज को लिए हुए, और इन्होंने हिंदी में डेवलप किया. बाकी तो बहुत कुछ अपने बारे में वो खुद बताएंगे, बट यस, आई हैव बीन वन ऑफ हिज एडमायरर एज ए कलीग. बहुत कुछ इनके काम करने के तरीका बिल्कुल अलग है, और उस तरीके से हम लोग भी सुनते थे. और उस समय हम लोगों को मार भी पड़ती थी विद इन द प्रोफेशन कि NDTV में ये खबर आ गई है और PTI ये खबर मिस कर रही है, या वाइस वर्सा, PTI ने खबर चला दी है और NDTV उसे फॉलो कर रहा है. तो एक चोली दामन का साथ था एजेंसीज़ का और अखबार के मित्रों के साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. और अब जो हालत हो गई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ NDTV, I still watch NDTV on regular basis, but yes, most of the channel, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो शुरू हुआ है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है, या एजेंसी में ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या कंसेप्ट होता है. तो अब का जो दौर चल रहा है, उस दौर में भी कमाल अपनी जगह बनाए हुए हैं. दैट इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, एंड प्लीज़ गिव ए बिग हैंड टू हिम. आमिर साहब, इनकी जितनी तारीफ करें कम है, ये हम लोगों के बीच में आते रहे हैं. आकाशवाणी से जो सफ़र शुरू किया और आज बराबर ये बढ़ते जा रहे हैं. और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, लास्ट ईयर हम लोग एक ऑर्थोपेडिशियन के क्लिनिक में मिले थे, और इन्होंने कहा साहब मैं दुबई जा रहा हूँ. तो मुझे लगा कि लखनऊ, एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट लखनऊ के पास से चला जाएगा. फिर कुछ दिनों के बाद बात हुई तो खुशखबरी मिली कि ही हैज़ स्टेड बैक. सो अगेन अ बिग हैंड फॉर आमिर साहब. इनकी आवाज़ हम लोग सुनते रहते हैं. ना ही इज़ द क्लस्टर हेड प्रोग्रामिंग. भगवान करे आगे ये और भी ऊंचाइयों पर जाएं. एंड वी वेलकम बोथ ऑफ देम, एंड आई एम श्योर विल हैव सम नाइस सेशन विद देम. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया संजय जौहरी साहब का कि आपने ये मौका दिया एक ऐसे शख्स को जर्नलिज्म के स्टूडेंट से बात करने के लिए जिसने इस दुनिया के किसी कोने में कभी जर्नलिज्म नहीं पढ़ी है. आपकी इज़्ज़त अफजाई के लिए आपके शुक्रगुजार हैं. ये अच्छा कि आपने कि एक कैमरा लगवा दिया, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से सिर्फ कैमरे के सामने बोलता हूँ, तो कैमरा नहीं होता तो नर्वस हो जाते हैं. जैसे बहुत सारे लोग कैमरा देख के नर्वस हो जाते हैं,
हमारे सामने कैमरा नहीं होता तो हम नर्वस हो जाते हैं, ये कैसे बोले हमें समझ में नहीं आता है। हमसे कहा गया था कि आपसे ये बात करनी है कि अब जब आप एक प्रोफेशन में इस दुनिया को फेस करने जा रहे हैं तो वो कैसे करें। बहुत सारी चीज़ें आपको आपके कोर्स में पढ़ाई गई होंगी जो हमने नहीं पढ़ी हैं। ज़बान के बारे में आपको सिखाया गया होगा कि आपकी ज़बान कैसी होनी चाहिए, फैक्ट्स जर्नलिस्ट के कैसे होने चाहिए। कुछ और चीज़ें हम आपको बताएंगे जो शायद आपको क्लासरूम में नहीं पढ़ाई जाती हैं, वो हम अपने एक्सपीरियंस से, जिसमें इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आप कैसे प्रिपेयर्ड हों, आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए। दूसरी ये है कि वो जो बाज़ार बाहर है वो किस तरह का है और वो आपको लेगा या नहीं लेगा, वो कैसे लेगा और आप उसमें फिट इन होंगे या नहीं होंगे, और वो क्या चैलेंजेस हैं, वो जो बिज़नेस मॉडल है टेलीविज़न चैनल्स का, टीआरपी का, वहाँ पे आप कैसे कामयाब होंगे। तो दो पहलू हैं उसके, एक तो सेलेबल होना, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो सेलेबल होना कि आपकी मार्केट हो, लोग आपको देखें तभी बिकेगा। और बिकने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, लेकिन जो आपके कंसर्न हैं उनके साथ में आप अपने को बेच सकें, आप अपने वैल्यूज़, अपने उसूल, सोशल कंसर्न, अपने संस्कार, और वो तमाम गरीब लोग, पिछड़े लोग, गुर्बत में रहने वाले लोग जिनकी आवाज़ आप बनना चाहते हैं, उनकी आवाज़ बनने के बावजूद आप मार्केट में अपने को बेचने के लिए तैयार हों, ये इसके दो पहलू हैं। ज़बान तो बहुत एक किसी का फ़ोन हमारा बन जाता है, देखिए वो तो अलग अलग चीज़ें हैं कि आप मार्केट में अपने को कैसे प्रेजेंटेबल बनाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत वगैरह, आप कपड़े कैसे पहने, बाल कैसे रखें, वो सब आपका आउटलुक है। फैक्ट्स के साथ रिपोर्टिंग करें एक इशू है। ज़बान आपकी कैसी होनी चाहिए, आपको दुनिया की जितनी ज़बान आप सीख सकते हैं आपको आनी चाहिए, और इंग्लिश तो जानते ही होंगे, और अच्छी आनी चाहिए और बहुत बढ़िया आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए, उसके बिना आप हिंदुस्तान में अच्छे जर्नलिस्ट नहीं हो सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं जर्नलिज्म में, एक तो एक इंफॉर्मेशन आप देते हैं, जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप वो मुंह से बोलते हो और कान तक जाती है, एक कम्युनिकेशन होता है जो आप दिल से बोलते हो और दिल तक जाता है। तो जब आप दिल से बोलते हैं दिल तक जाता है तो वो दूसरे के दिल को छूता है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि देखिए गाली देने के लिए गाली बकने की ज़रूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे आदमी को गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सरापा गाली हो लेकिन उसमें एक लफ्ज़ भी गाली का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। तो ज़बान आपकी ऐसी होनी चाहिए, ज़बान का ही सारा खेल है। दो चीज़ें हैं, एक तो जज्बात हैं, आप किसी चीज़ को, अच्छाई को, बुराई को, मोहब्बत को, नफ़रत को कितनी इंटेंसिटी से महसूस करते हैं और कैसे उसको बयान करते हैं। और अगर आपके पास जज्बात हैं और ज़बान नहीं है और हुनर नहीं है कि दुनिया की कितनी चीज़ों से जोड़ के उसको सही पर्सपेक्टिव में कैसे रखा जाए, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। एक पैशन होना चाहिए, पैशन के बिना तो शायद दुनिया में कोई भी आदमी, राजमिस्त्री भी कामयाब नहीं हो सकता अगर उसको उस काम में पैशन ना हो। अभी क्या होता है, लोग टीवी में बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बरखा दत्त को, अर्णब को, राजदीप को, उनको लगता है कि हम इसी तरह हो जाएंगे, लेकिन उसके पीछे बहुत तपस्या है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत पैशन है। हमें याद है जब हम लोग शुरू शुरू में काम करते थे, बरखा ने NDTV ज्वाइन किया था उसी टाइम, एक यूपी के एक मिनिस्टर थे मऊ के, जो कल्पनाथ राय, वो अरेस्ट हो गए थे किसी केस में और 30,000 कोर्ट आते थे, 30,000 कोर्ट में बंदर बहुत थे, तो वहाँ सारे लोग उनकी बाइट लेने के लिए माइक लेके कल्पनाथ राय के मुंह पे टूटते थे, क्योंकि पुलिस धकेलती थी उनको, घेरा बनाए रहती थी, ढकेलती थी, उनके पास नहीं जाने देती थी। तो जब लोग उनके पास जाते थे, एक रोज़ एक बंदर बरखा दत्त के पैर के पास आ गया, उसने उसको पैर मार दिया क्योंकि उसको लगा कि ये काटने आ रहा है,
और माइक लगा दिया कल्पनाथ राय को, तो उस बंदर ने उनका पैर पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। तो वो रोती रही, उसने माइक नहीं हटाया। एक लड़की ने, वो रो रही है, बंदर उसका पैर खा रहा है, लेकिन वो माइक इसलिए नहीं हटा रही है कि मैं हटा दूंगी तो ये बाइट छूट जाएगी। तो जब तक ये पैशन नहीं होगा आपके अंदर कि आपको बंदर काट रहा, आपको लग रहा है नहीं हम बाइट नहीं छोड़ सकते, टांग चाहे वो मेरी तोड़ दे, जब तक ये जज्बा नहीं होगा तब तक कामयाबी की बुलंदी पे नहीं पहुंच सकते। नौकरी तो दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कुछ भी आपने पढ़ा हो। अब जैसे मिसाल के लिए हम आपको बताएं कि हम लोग छोटे थे तो हमारे पड़ोस में जाते थे, वहाँ रामायण होती थी, तो वहाँ पे रामायण में लोग कहते थे मंगल भवन मंगल हारी, तो हम लोग संपुट लगाते थे द्रऊस दशरथ अजिर बिहारी। अखंड रामायण होती तो हमें बहुत याद हो गई थी, पंडित जी सुनाते थे कथा रामचंद्र जी की। हम अयोध्या गए रोज़ कवरेज के लिए, वहाँ पे बड़ी बुरी हालत थी, कर्फ्यू लगा था, कुछ शिलादान हो रहा था, मंदिर निर्माण के लिए बहुत चीज़ें हो रही थी। तो जब हम वो रिपोर्ट कर रहे थे, अंदर मन के अंदर एक बहुत खौफ था कि क्या हो रहा है, कि एक शहर में रहने वाले अपने महल्ले में निकलने के लिए उनको पासेस जारी हो रहे हैं, जो वहाँ पैदा हुआ जिसकी छोटी सी गुमटी है वो उस दुकान को खोल नहीं सकता है, हर आदमी ने 15-20 दिन का राशन जमा किया हुआ है। उनकी तकलीफ़ देख के हमें याद आया कि हाँ, उत्तरकांड में तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम राज्य का जो तसव्वुर किया है, उन्होंने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि राम के राज्य में न किसी के शरीर को कष्ट था, न किसी की आत्मा को कष्ट था, हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करता था और एक दूसरे से प्रेम करता था। तो हमने अयोध्या की किसी सड़क पे खड़े होकर कहा कि उत्तरकांड में तुलसीदास ने तो ये लिखा था, लेकिन आज यहाँ हर सबके शरीर को भी कष्ट है और सबकी आत्मा को भी कष्ट है। इस सड़क के ऊपर जो पैदा हुआ है वो इस सड़क पे चल नहीं सकता है। तो शायद अयोध्या में उस रामकोट के चारों तरफ के इलाके में जो रहने वाले लोग होंगे, उन्होंने उससे रिलेट किया होगा अपने को, क्योंकि वो एक ऐसी ज़मीन पे पैदा हुए हैं जहाँ राम के तसव्वुर के बिना दुनिया की कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो बचपन में जो मेरी माँ किसी महल्ले में किसी के घर ले गई थी और रामचरितमानस में कोई पंडित जी कोई चीज़ बता रहे थे, उसका इस्तेमाल हमने उसके मालूम नहीं कितने साल बाद अयोध्या में किसी एक वक्त में हमने किया। वहाँ पे एक जगह है हनुमानगढ़ी, उसकी छत पे हम खड़े हुए थे, तो हमारे कोई अयोध्या के रिपोर्टर थे, वो बता रहे थे कि इस तरफ गुलाबबाड़ी है, ये सड़क इधर जाती है, ये राम सेवकपुरम कार सेवकपुरम है, और इधर मगहर है कबीरदास की जहाँ समाधि है। तो हमें लगा कि अच्छा कितनी दूर है, उन्होंने कहा 100 किलोमीटर दूर है। तो हमने वहाँ पे खड़े होकर एक पीटूसी किया कि यहाँ से सिर्फ महज 100 किलोमीटर दूर वो कबीर सो रहा है, जिसने बहुत पहले ये नहीं कहा था कि दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहू कौने भरमाया, अल्लाह राम रहीमा केशव हजरत नाम धराया। वो कौन है जो ये भ्रम पैदा कर रहा है कि मेरा खुदा और तुम्हारा खुदा अलग है। हालांकि ये वो जगह है जहाँ 100 साल से ये तय नहीं हो पाया है कि यहाँ किसके खुदा की इबादत हो। यू आर करेक्ट, होल्ड ऑन, यस, ओके, एनीवन एल्स? और अ क्राउड ऑफ सो मेनी जर्नलिस्ट, हाँ, नो वन कैन टेल यू व्हाट इज आरएसवीपी। यू आर करेक्ट, इट स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्डेंस सिल्वर टू। इन हिंदी अगर आपकी मर्जी आए तो जवाब दे देना, इन इंग्लिश रिप्लाई इफ यू प्लीज फील सो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज आर स्टैंड फॉर रिदम, एस स्टैंड फॉर स्पीड, वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड पी स्टैंड फॉर पिच। सो वॉइस शुड बी, इफ यू कैन मॉड्यूलेट योर वॉइस विद RSVP, rhythm, speed, volume and pitch, you'll do everything. Am I correct? He agrees with me. Rhythm, speed, volume and pitch
is what matters on a microphone. If you're speaking too fast, I don't have anything to prove it, but you put a couple of stones into this and do it, then it'll be. If you're fast, if you're slow, no. So rhythm, speed, volume and pitch, if you can remember, that's good enough. And if you make it in the interview, then do not retract. Means do not go back from that employment. And if you don't make it, don't get disheartened. Upar aaj bade lage hue hain, poster lage hue hain. None of them are applicable. Don't commit suicide. Is it right thing to write? Commit suicide. So that's my only guidance that I can give them. Do well. Personality does not come with having good muscles and body and all. It comes with lot many other things. Okay. Sorry, I wouldn't be able to stay all the time, but thank you very much for coming. Indeed, grateful. Gratitude. Thank you very much. जनरल साहब ने कह दी, जनरल हो रही, राइट? आई कीप ऑन फॉरगेटिंग नेम्स. रेडियो में होने के बावजूद मैं सारे नाम भूलता रहता हूँ बार बार. मैंने कमाल सर से फिर पहले कंफर्म किया, आप कमाल खान ही हैं ना? तो हाँ, वही है. एनीवे, होता क्या है कि वट एवर ही सेड, द थ्री थिंग्स, थ्री मेन थिंग्स विच ही स्ट्रेस्ड अपॉन सो मच, कि पहली चीज़ नॉलेज होनी चाहिए. सी, नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रेडियो में हो, आप टेलीविजन में हो, आप मीडिया में हो, आप दुनिया में किसी भी जगह पर हो, अगर नॉलेज नहीं है, सो इट्स अ डील ब्रेकर यार. एनी वे, आई डोंट वॉन्ट टू हायर अ पर्सन हु डजंट नो थिंग्स मैन. सीरियसली, आज के डेट में अगर आप बात करें रेडियो की, अगर आप रेडियो में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो फेज़ थ्री का आपको मालूम ही होगा, इतना अभी बहुत सारे न्यूज़ आ रही थी, खबर आ रही थी. अभी थर्ड फेज़ ऑलमोस्ट डन है, लास्ट बिडिंग हो चुकी है. मंडे को स्टेशन्स आने ही आने हैं, लखनऊ में भी स्टेशन्स आने हैं और भी मुख्तलिफ जगहों पर और स्टेशन्स आने हैं. बनारस में आना है, कानपुर में आना है, इलाहाबाद में आना है, गोरखपुर में आना है, तमामों जगह आना है, चंडीगढ़ में तमाम सारे आने हैं, बहुत सी जगहों पर बहुत सारे स्टेशन्स आने हैं. नाउ होता क्या है कि ठीक है, अगर हम देखें तो कभी कभी लोग जो उस लायक नहीं भी हैं वो भी पाए जाते हैं स्टेशन्स पे, और उस तरीके से उनको भी नौकरी मिल जाती है. ठीक है, कुछ लोगों की खुशकिस्मती होती है, लेकिन ऐसे लोग कितने दिन सर्वाइव करते हैं? हम में से कुछ लोग हैं जो बुढ़े हो गए हैं रेडियो स्टेशन में. 13 साल तो मुझे हो गए हैं, अब मेरी उम्र मत कैलकुलेट करने लगना. 13 साल मुझे हो गए हैं रेडियो स्टेशन्स में काम करते करते. तो 13 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है. मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 13 साल सर्वाइव करना इस तरह की इंडस्ट्री में, या कमाल सर को इतने साल हो गए हैं, 1990 कह रहा हूँ, 2007 में कमाल सर के साथ मैंने थोड़ी सी देर के लिए शेयर किया था, ऑन द कैमरा थे हम लोग, क्या कहते हैं उसमें, क्या था वो, इमामबाड़े में, गुड मॉर्निंग इंडिया, NDTV के लिए शायद प्रोग्राम था. एनीवे, सो तब से इनको मैंने पहली बार पर्सनली इनको तभी मिला था, उसके बाद आज मिल रहा हूँ, तब से नहीं मिला हूँ, 8 सालों से आज मिल रहा हूँ. और तब से, लेकिन क्योंकि मिले थे, मुलाकात हुई थी, मुखातिब हुए थे, तो तब से आज तक इनको फॉलो ज़रूर करता हूँ, देखता हूँ, जब भी TV देखता हूँ तो दिख जाते हैं तो मैं देख लेता हूँ इनको, क्योंकि लेकिन इतने सालों तक सर्वाइव करना, खैर मैं दूसरी बात पे चला गया था, इतने सालों तक, इफ़ यू हैव टू सर्वाइव फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, देन यू नीड टू नो, यू नीड टू हैव द नॉलेज. यू जस्ट कैन नॉट सर्वाइव ऑन योर शेयर लक मैन. शेयर लक पे कुछ लोग चलते हैं, कुछ सालों तक चलते हैं, देयर इज़ अ लिमिट टू वे यू कैन रीच, आफ्टर दैट यू विल स्टॉप मैन, राइट? सो नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली कल अगर आप लोग गलती से भी इंटरेस्टेड हैं, तो कल मैंने एक वो डाला था FB पे पोस्ट कि वॉट आर द रिक्विजिट्स ऑफ बींग रेडियो पर्सनैलिटी. आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं. दूसरी चीज़, हम लोगों का जो फोकस है, दैट इज़ ऑन वेरी ट्रिवियल थिंग्स, लाइक ही राइटली सेड कि
कमर्शियल्स में उल्टे सीधी चीज़ें जब दिखाते हैं, वो यू नो अजीबोगरीब चीज़ें दिखाते हैं, देन यू फोकस मोर ऑन दैट एंड यू फोकस लेस ऑन नॉलेजेबल थिंग्स. एंड द रीज़न इज दैट यू वॉन्ट टू बी इंटरटेन्ड ऑल द टाइम. आप क्लास में या कॉलेज में या स्कूल में मोबाइल फोन्स पे एंटरटेन होना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर एंटरटेन होना चाहते हो, आप अदरवाइज दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करके एंटरटेन होना चाहते हो, आप अदरवाइज जो है वो टेलीविजन देखकर एंटरटेन होना चाहते हो, म्यूजिक सुनकर एंटरटेन होना चाहते हो. सो व्हाई सो मच एंटरटेनमेंट मैन? दिस एंटरटेनमेंट विल गिव यू नथिंग एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो आपको सीरियस चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा. Second, language is obviously important. If you plan to come into radio, then please work upon your language. ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सारी बातें कमाल भाई कह चुके हैं. I'm not telling you anything new, but this is very important. अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और जो कि अगर आप लखनऊ में अगर नौकरी के लिए आप आएंगे तो होपफुली आप मेरे सामने बैठेंगे. तीन चार ही स्टेशंस, अभी दो स्टेशंस और खुल जाएंगे, पांच हो जाएंगे, तो पांच में से तो एक जगह मुझे पाएंगे ना. 20% प्रोबेबिलिटी तो है कि आप मुझे पाएंगे स्टेशन पे बैठा हुआ. और अगर आपकी ज़बान साफ नहीं है तो मैं आपको नहीं लूँगा. क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहने के बावजूद, लखनऊ में रहने के बावजूद, जहाँ के डायलेक्ट जो है वो बिल्कुल भी बिल्कुल न्यूट्रल है एक तरह से बोल लेता हूँ. You know, when I initially joined a call center way back when I was in my graduation, and we used to deal with the US-based process, AT&T. So I was amongst the top two people in my class, not because I had wonderful English. I didn't have good English back then. It was because my accent was neutral. Why was it neutral? Because I belonged to Lucknow. Rest, everybody had some regional affliction to their accents. कोई जो था वो थोड़ा बिहारी टच में था, कोई गोरखपुरिया टच में था, कोई साउथ इंडियन टच में बोल रहा था, कोई दिल्ली की अक्खड़ बोली में उसका टच था. लेकिन हमारा जो बोलचाल थी, हमारी जो थी वो बिल्कुल न्यूट्रल थी, which luckily is what happens at Lucknow. Good evening everyone. I am Suprit Tripathi sir. Sir Kamal sir, I want to ask you, you tell us that incident jahan pe saap ne kaata tha and wo aadmi leta hua tha, log expect kar rahe the ki wo uth jayega. Sir please tell me us incident ka end kahan pe hua tha, aapne us incident mein kya conclude kiya, aapka kya experience raha usme? Nahi darasal jo wo kahani dekhiye, kisi कोई भी चीज़ जो सामने हो रही है वो देखने वाले की नज़र के ऊपर मुनहसर करता है कि आप उसको देखते कैसे हैं. हो सकता है कि किसी लोकल छोटे टीवी चैनल का एक रिपोर्टर जाए और वो ये कहे कि एक बाप इतना अंधविश्वासी है कि वो अपने बेटे की लाश को रख के वो बैठा हुआ है, और जबकि ये सच है कि मरा हुआ आदमी ज़िंदा नहीं हो सकता. हो सकता है कि वो फिर पुलिस के पास जाए और उससे पूछे, दरोगा से, कि अगर ये लाश सड़ जाएगी, इसमें दुर्गंध आएगी, तो आपने अभी तक इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कोई आदमी लाश रख के तीन दिन से बैठा हुआ है. गुड आफ्टरनून सर. सर माय नेम इज़ आदित्य झा, एंड सर मेरा क्वेश्चन कमाल सर से है. सर आपने, आई मीन वी ऑल वर मेसमराइज बाय मीटिंग यू, वी वर रियली वेटिंग फॉर योर ऑगस्ट प्रेजेंस एंड वी चेरिश द मोमेंट, नो डाउट. सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि सर आपने अपने व्याख्या में कहा कि अगर किसी के पास टैलेंट है द वे ही स्पीक्स पिच, और अगर उन्हें उन्हें आता है कैसे बोलते हैं, कनेक्ट करना आता है, सिंक करना आता है इमोशंस से, सो ही विल मेक अ नेम ऑफ हिज ओन. सर बट मैंने कहीं ना कहीं जहाँ तक देखा है अभी तक, कॉन्टैक्ट्स बहुत मैटर कर जाते हैं. अगर एक है टैलेंटेड आदमी एंड ही इज़ गेटिंग इनसाइड समथिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाहता है कि वो वहाँ काम करे, और कहीं ना कहीं वो दूसरा आदमी है, मे बी उनके पास उतना नॉलेज या स्किल नहीं होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट है उनके पास, तो उन्हें रख लिया जाता है इनको कहीं ना कहीं दबा कर. सो सर ये इंडस्ट्री में है कि नहीं है, एंड अगर है सर तो क्यों है, इज़ द क्वेश्चन दैट आई रियली वांट टू आस्क. देखिए वो तो दुनिया में सब जगह है, लेकिन उसे आप रोटी खा सकते हैं, सड़क चलता हुआ आदमी आपके साथ सेल्फी नहीं खिंचवाएगा. वो पूरी दुनिया में है. टीवी, अभी आमिर भाई आपको ही बता रहे थे कि आप किसी तरीके से वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन
जैसे टीवी एक ऐसा मीडियम है कि दुनिया में तमाम लोग देखते हैं, अभी हम एक स्विट्जरलैंड के एक छोटे से गांव गिस्विल विलेज में बैठे हुए थे अपनी वाइफ के साथ में, तो जहां बैठे थे वहां पे कोई रिसोर्ट था, उसकी मैनेजर लड़की हमारे पास आई, वो कहने लगी कोई साहब हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, मैं क्या उनको यहाँ आने दूँ? हमने कहा हाँ ले आइए, आने दीजिए। वो कोई हरियाणा के रहने वाले कोई शख्स थे जो कहीं इंटरलाकिन में रहते हैं और वहाँ पे कोई होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट कायम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमको देखा, फिर जाके मैनेजर से कहा कि क्या आपके गेस्ट लिस्ट में यहाँ कोई कमाल खान नाम के कोई आदमी रुके हुए हैं? उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ रुके हैं, वो बाहर बैठे हुए हैं। तो वो कहने लगे कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो अगर हमको राहुल गांधी ने रखवाया होगा तो उस गांव में कोई आदमी हमसे मिलने नहीं आएगा। सर माय नेम इज गीतांजलि एंड सर मेरी आरजे आमिर सर से एक रिक्वेस्ट है कि जैसे वो आप रेडियो में बोलते हैं वैसे लाइव बोल के एक बार दिखाएं। तो मुझे रेडियो पे भी बोले हुए 2 साल हो रहे होंगे, 1.5 साल। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आमिर आपके साथ इस वक्त, बस शुक्रिया। ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन आई इरम काजी हसन असिस्टेंट प्रोफेसर एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन टेक इमेंस प्लेजर टू थैंक आवर एस्टीम गेस्ट Mr. Amir and Mr. Kamal Khan, who despite their busy schedules came all over to our campus to enlighten our budding media professionals. Industry-academia interactions provide all-round opportunities for an overall growth of the forthcoming generations and for sure help building a strong nation. We at Amity truly believe that such interactions help bridge the gap between classroom teaching and field experience, thereby transforming students into an industry package. A market-driven approach to higher education has to be fostered in order to encourage manpower development from the grassroots level itself. I would surely like to highlight the commendable efforts of our HOI Professor Dr. Sanjay Mohan Jhawari, which got translated into a year-long activity via media for showcasing the talent of our students. And today's placement personality workshop is an integral part of via media. With these words, I once again thank my guest for being such a wonderful guide, and we look forward to more interactions with you in the near future. Thank you. Thank you. Please have a huge round of applause.